अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मेरी रेसिपी को ट्राई कर रहे होंगे। और नाज़रीन, आज आपके लिए मैं एक चिकन फ्राइड सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ जो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। आए इनके इंग्रेडिएंट्स नोट करें। ये एक कप उबला हुआ चिकन है, नमक डाल के मैंने इसको बॉयल करके इसको चॉपर में चॉप कर लिया। ये एक कप कैबिज है बंद गोभी, ये एक आधा कप बेल पेपर शिमला मिर्च, और ये आधा कप है मेरे पास गाजर कैरेट। ये मेरे पास मायोनीज है, यंग्स की मायोनीज है, मैं इसी को ही पसंद करती हूँ क्योंकि ये इसी से ही मेरे सैंडविच अच्छे बनते हैं। ये मेरे पास चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, ये केचप है, ये मेरे पास ब्रेड क्रम है, ये दो अंडे हैं जो मैंने पानी डाल के इसको बीट कर लिया। पानी डालने से इसका ये होता है कि अच्छे से वो जुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। ये मेरे पास नमक है, ये काली मिर्च है, ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह डालनी है। ये मेरे पास है दो स्लाइस। नाज़रीन, मैं आपको ऐसी चीज़ आज बताऊँगी, टिप बताऊँगी कि बाज़ मेरी बहनें हैं उनके पास ये कटर नहीं होता जिसके साथ ये कटिंग करते हैं, तो मैं इजीली आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह घर में आसानी से, मेरा मकसद यही है कि आसानी से वही चीज़ हो जो आप घर में कर सकें। ये देखें, ये मेरे पास एक ग्लास है, इसके साथ मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखें, इसको ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें, ये ज़बरदस्ती कटिंग होगी है, ये मैंने साइड पर कर लिया। इसी तरह इसके दूसरे स्लाइस को भी इसी तरह करेंगे। ये देखें, ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है तो ये इसकी कटिंग होकर ये शेप रेडी हो जाएगी। ये देखें नाज़रीन, मैंने ये सारी कटिंग कर ली है, और ये देखें इस तरह से। आपने कोशिश करनी है कि ब्रेड को आपने फ्रेश लेना है, फ्रेश लेंगे तो सैंडविच उतने ही मज़े के बनेंगे, कटिंग अच्छी होगी। ये मैंने सारी कटिंग कर ली है, ठीक है। चले जी, अब इसके मिक्सचर को हम रेडी करते हैं। ये देखें, एक कप चिकन है, ये बंद गोभी है, ये मैंने छोटी छोटी चॉप की हुई है, ये इसके साथ मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ। ये मेरे पास गाजर है, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। इसके अंदर मैं मायोनीज डालूंगी। ये देखें, ये देखें, ये तकरीबन इसमें 6 चम्मच मायोनीज के डालेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से 6 चम्मच इसके अंदर डालेंगे। और इसके अंदर ये मैं डालूंगी, ये देखें, ये आधी चम्मच मैं काली मिर्च की डाल रही हूँ, ठीक है। नमक इसलिए मैं नहीं डाल रही क्योंकि ब्रेड भी सॉल्टी है हमारी, और नमक भी मैंने नहीं ब्रेड चिकन में मैंने ऐड किया हुआ है। ये मैंने 2 चम्मच चिली सॉस के डाले हैं, और 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए मेरा अच्छे से बैटर रेडी हो गया है। इसमें कोई किसी किस्म का पानी नहीं है कि कोई सब्ज़ी ने पानी छोड़ा हो, बिल्कुल ज़बरदस्त था ये बैटर, हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, इसको अब हम स्प्रेड करेंगे ये अपने सैंडविच के ऊपर। ये देखें, 1 चम्मच, ये देखें इतना सा हमने लेना है, इसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। ये देखें, और दूसरे वाला स्लाइस जो है इस तरह हम रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, इसको हमने बंद करना है। ये देखें, अंडे से सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ये देखें चम्मच से ज़्यादा पकड़ के डीप करेंगे तो वो सारा ब्रेड आपका टूट जाएगी, स्लाइस आपके टूट जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमने अंडा अच्छे से लगा लिया, और इसके बाद हम इसको ये देखें ब्रेड क्रम से कोटिंग करेंगे ऐसे पकड़ के। बहुत ईजी है, ये हमारी बच्चियाँ जो है आराम से घर में बना सकती हैं। ये देखें, ये मेरा पैटी रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह से हमने सारे पैटी रेडी कर लेने हैं जी नाज़रीन। ये देखें, मैंने सारे अपने सैंडविच रेडी कर लिए हैं, चिकन फ्राइड सैंडविच ये देखें रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है जी नाज़रीन। ये देखें, ये अब हमारे रेडी हो गए सैंडविच। इसको मैं ऑयल को पहले से ही मैंने प्री हीट कर लिया है। ये देखें, आप थोड़ी सी ब्रेड लेके उसमें डालेंगे, ये देखें कि गर्म है। ये देखें, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, ठीक है। ये देखें, हम अपना पहला सैंडविच डालेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये खुले ना, इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं खुलेगा। ये देखें, ये मैं ये डाल रही हूँ इसमें। और अगर एक टिप छोटी सी बता रही हूँ, अगर फर्ज करें नहीं जोड़ा आपका सैंडविच, हल्का सा इसको पानी के साथ हमने जोड़ना है, इस तरह जोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये देखें, ये हमने दूसरा सैंडविच डाला है, हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है हमने, हल्का सा प्रेस करना है इसको,
ये देखें ये भी हमने डाल दिया। ये देखें ऐसे हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है, शेप उसकी बिल्कुल नहीं बदलेगी, इस तरह से प्रेस करना है। ये देखें इसकी साइड हम चेंज करेंगे अब। ये देखें हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और इसी तरह स्लो फ्लेम पे आपने करना है इसको फ्राई। ये देखें इसी तरह से हमने ये सारे रेडी करने हैं। ये नाज़रीन फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, इस पर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, बस इसको लाइट गोल्डन सा करना है। ये देखिए हमारा पहला सैंडविच बिल्कुल लाइट गोल्डन सा हो गया है। इसको हमने इस तरह से करना है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखें हमारी क्रिस्पी क्रंची सैंडविच रेडी हो गए हैं। ये देखें चिली गार्लिक सॉस के साथ आपने खाना है इसको, ये बहुत मज़ा आएगा। आपने मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और इंशाल्लाह ताला और नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी आएंगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैंने आपके लिए सोचा है कि एक अच्छी सी आपको टिप दूंगी किचन के मुतालिक जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर मेरी प्यारी बहनों के प्याज काटते हुए आंखों में पानी आ जाता है, वो पानी नहीं आएगा जब आप प्याज काटने से पहले उसको फ्रिज में रख लेंगे, आधा घंटा ठंडा हो जाएगा प्याज, आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा जितने चाहे मर्जी प्याज काट लें। ठीक है चले नाज़रीन, ये डिलीवरी भी हमारी है जो इजीली आप लाहौर में या मेरे से मंगवा सकते हैं, एक दिन पहले ऑर्डर करके अच्छी पैकिंग के साथ आपको मिलेगी। और आपको मैं नंबर भी अपनी स्क्रीन पे दूंगी, मैं आपको बता देती हूँ नंबर 03004114691 पे आपने कॉन्टैक्ट करके तो ये आप सैंडविच मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नाज़रीन और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ आप आएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।